Good morning. Yes, ma'am. Hello, everyone. Hi, guys. How are you all? कैसे हैं आप लोग? इतने दिनों के ब्रेक के बाद फाइनली मैम इनकी पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है. Let's see once we are live. Yes, we are live. मम्मी को आवाज चेक कर लो. बिल्कुल आ रही है. सब करेक्ट है. Good morning. आवाज. Good morning. हैरानी की बात है. So welcome back, guys. This is Learnify Labs, and this is Tina ma'am and Kiran ma'am. Yeah. बैक. और गाइज आज से पढ़ाई शुरू हो रही है. वी हैव लॉन्च दिस माइक्रो कोर्स ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स थ्रू डायग्राम्स. ठीक है. और जोश में मैम डायग्राम्स बोल गए. मैम कहना चाहते थे अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स वाया क्वेश्चंस. यस, अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स वाया अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस वाया कॉन्सेप्ट्स. टीना मैम आप पूरे जोश में हो. टीना मैम के लिए चाय लाई जाए, चाय कॉफी ठंडा कुछ तो बुलाया जाए मैम को. चीकू मीकू बिल्कुल चीकू मीकू वापस आ जाएंगे. ठीक है, छुट्टियां बिताने गए हुए हैं, वापस जरूर आएंगे तुम्हारे पास. हाय प्रशंसा, हाय रमोना, हाय हर्षिका, हाय अनुश्री, समल्या कोई नया बच्चा लग रहा है. हाय हसीन, चलो जी. गुड मॉर्निंग. हाय समोली का स्पेशली नाम लेना था, नहीं तो मुझे भी लेना था. हाय समोली है ना, नहीं तो शिकायतें आ जाती हैं. चलो, ऑलराइट गाइस. All right. So guys, as you have seen on the thumbnail, तो ये है biology through questions. We are going to understand the very important concepts. और ये जो sessions हम start कर रहे हैं ना आज से, ये आपके NEET के लिए important तो है ही है. और guys, 7th November को जो KVPY के students हैं उनके लिए भी ये बहुत important है. Specially students के messages आए थे कि मैम KVPY के लिए भी कुछ करो. So this is dedicated to both. हमने KVPY के भी questions किए हैं, तो NEET के students please आप ये भी questions देखेंगे. ये ऐसे question है जिससे NEET वालों के कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होंगे और KVPY में ऐसे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसे समझें और कॉन्सेप्ट को क्लियर करें. क्योंकि नीट में पता है क्या होता है, वही जो चार पांच क्वेश्चन होते हैं ना बायो में, जो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं, वही आपका रैंक डिसाइड कर जाते हैं. वही डिसाइड कर जाते हैं कि बायो में 360 आउट ऑफ 360 किसके आए हैं. Yes. तो बस फिर ये वही वाले क्वेश्चन है. अगर आप ये वाली सीरीज अच्छे से अटेम्प्ट करोगे तो बायो में 360 नंबर मान के चलो तुम्हारे आए हुए हैं. चलो मैम क्वेश्चन डॉबी कह रहा है कैन यू गिव अ लिस्ट ऑफ ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. लिस्ट क्यों देनी है, जैसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आते जाएंगे फिर सब यहाँ पे होगा. डन. एंड यस वी विल प्रोवाइड यू द लिस्ट एज वेल. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. हाँ जी ऑफ कोर्स. ये सारे आपके यार, चाहे तुम्हारा बोर्ड हो या कुछ भी हो, NDA हो, कुछ भी NTSC NDA कुछ भी हो, सारे इंपॉर्टेंट वाले क्वेश्चन. और तुम देखना ये जितने भी तुम्हारी PYQ की सीरीज चल रही हैं या जो भी सीरीज चल रही हैं, ये क्वेश्चन उन सारे क्वेश्चन से थोड़े से अलग है और थोड़े ज्यादा अच्छे हैं. अब देखना तुम क्वेश्चन. लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. तो अब सबसे पहला क्वेश्चन करने से पहले, ये तुम्हें पता है, यू हैव टू ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम. सो अगर तुमने ज्वाइन नहीं किया तो दिस इज द टेलीग्राम चैनल गाइस. द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल. ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. ठीक है, फेसबुक पे Learnify Labs को फॉलो कर लो. अगर कोई नई नोटिफिकेशन आती है या कोई लेक्चर का टाइम चेंज हुआ, नहीं आए, सब कुछ वहाँ पे आपको बताया जाएगा. तीनों मैम किनू मैम कहीं घूमने गए वो आपको बताया जाएगा. और साथ ही आपको बताया जाएगा अगर हम किसी नए कॉलेज के ट्रिप पे गए. मैम कितने सारे कॉलेजेस में तो घूम के आए हैं, वो दिखाएंगे तुम लोगों को. चले, और नॉलेज पिल्स विल बी बैक. धीरे धीरे सारी गोलियां आपको अच्छी अच्छी खिलाएंगे. ठीक है, बट आ जाओ. सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस. सो ये मैं पहन लेती हूँ माइक फॉर द टाइम बीइंग एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्राइमेट्स एवोल्यूशन. तो गाइज ये एवोल्यूशन के चैप्टर में से है जो कि आपके CBSE में किसी भी टर्म में नहीं है, बट नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. देखो, सो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है. चिंपैंजीज गोरिल्लास इवॉल्व फ्रॉम मकाक्स. Humans and chimpanzees evolved from gorillas. Human chimpanzees gorillas evolved from the common ancestor and human gorillas evolved from the chimpanzees. So फटाफट से आंसर बच्चों ने अच्छा पहले दे दिया. वेरी गुड. आंसर इज येस, ह्यूमन चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर. और इस कॉमन एंसेस्टर का नाम है गाइस Dryopithecus. क्या नाम है? Dryopithecus. ये हम क्लास में भी करेंगे. ठीक है ना. सो Dryopithecus. सो ह्यूमन एंड ये चिंपैंजीज एंड गोरिल्लास दोनों क्या है? एप्स. तो ह्यूमंस और एप्स, ठीक है, इन सब का जो ओरिजिन हुआ है एक कॉमन एंसेस्टर से हुआ है और उस कॉमन एंसेस्टर का नाम क्या है? Dryopithecus. इज दैट क्लियर? तो ये आपको याद रखना है कि दोनों का कॉमन एंसेस्टर था. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
Crypts of Leverkun are found in which of the following parts of human digestive system? Crypts of Leverkun आपको कहाँ मिलते हैं? Question number 2, फटाफट से. Question number 2, कहाँ पे मिलते हैं आपको? First answer आ गया सृष्टि का, very good. Crypts of Leverkun guys आपको मिलते हैं small intestine में. होती क्या है Crypts of Leverkun, ये भी फटाफट से देख लेते हैं. तो देखो आपकी small intestine में आपको पता है surface area increase करने के लिए होती हैं villi, है ना? These are the finger-like projections, villi. इन विलाय के बेस पे, इनके बेस पे गाइस ऐसी पॉकेट्स बनी होती हैं और इन पॉकेट्स को हम बोल देते हैं क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन. क्रिप्ट्स का मतलब ही होता है हिडन, ठीक है? एंड सी, इट इज हिडन एट द बेस ऑफ विलाय. ये भी क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे प्रेजेंट है. सो दीज क्रिप्ट्स आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ विलाय. तुमने क्वेश्चन जरूर देखा होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है? दूसरी चीज, इन क्रिप्ट्स के अंदर होता क्या है? इन क्रिप्ट्स के अंदर गाइस होते हैं कई तरह के सेल्स. देयर आर वैरायटी ऑफ सेल्स. सो अराउंड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड हियर. सो सेल्स जो यहाँ पे आपको मिलेंगे वो देखो कौन कौन से हैं. वो है पेनेथ सेल्स, ठीक है? वी हैव एंटेरोक्राइन सेल्स, ठीक है? वी ऑल्सो हैव गॉबलेट सेल्स, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड अर्जेंटा फिन सेल्स. मानते हो ये बात? सबको ये चीजें क्लियर हैं? हाँ जी, फटाफट से बता दीजिए. जो प्रॉपर बैच है गाइस वो 1st of October से लॉन्च हो रहा है, लेकिन उससे पहले ये छोटे छोटे कोर्सेज जरूर हमें करने हैं. जितने भी कोर्सेज लॉन्च हों प्लीज डू नॉट मिस एनी, ठीक है? यस, सो ऑल क्लियर. ये 5 डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हैं, राइट? पूरा क्लियर है? तो ये 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे? क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन में. और ये क्रिप्ट्स ऑफ लिबरकुन कहाँ पे प्रेजेंट है? एट द बेस ऑफ विलाय. कहाँ पे होगा? ये आपके विलाय मैंने ड्रॉ किए हैं. सो वेयर आर दे फाउंड, दैट इज द क्वेश्चन. वेयर आर दे फाउंड? इन द स्मॉल इंटेस्टाइन. पॉइंट्स क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 3, रिमूवल ऑफ पेंक्रियास इम्पेयर्स द ब्रेकडाउन ऑफ. सो आपने पेंक्रियास को रिमूव कर दिया. इम्पेयर का मतलब होता है डिस्टर्ब करना. सी, ये वर्ड्स आपको बेसिक इंग्लिश की वोकैबुलरी क्लियर होनी चाहिए. तो देखो, अगर पेंक्रियास रिमूव कर दिया तो ये किसकी डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा? ब्रेकडाउन मतलब डाइजेशन, है ना? किसकी डाइजेशन को डिस्टर्ब करेगा? तो तुम्हें पता होना चाहिए कि पेंक्रियास से किस किस चीज के लिए एंजाइम्स निकलते हैं. सो आंसर, व्हाट विल बी द आंसर? परफेक्ट है. आंसर डी दे रहे हो तुम, 3 का. ऐसे कैसे हो गया डी? बिल्कुल गड़बड़ कर दी. सो पेंक्रियास अगर रिमूव कर दिया तो ना लिपिड्स डाइजेस्ट होंगे, ना प्रोटीन्स डाइजेस्ट होंगे, ना कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट होंगे. नाउ अंडरस्टैंड व्हाई. लिसन, वेरी इंपॉर्टेंट. या तो तुमने गड़बड़ कर दी है, बहुत बच्चों ने गड़बड़ कर दी है. राम का सही है. तो देखो, पेंक्रियास आपके कार्बोहाइड्रेट्स के लिए एंजाइम्स रिलीज कर रहा है, आपके लिपिड्स के लिए, ठीक है? देन फैट्स एंड लिपिड्स वन एंड द सेम थिंग. देन प्रोटीन्स के लिए, एंड ऑल्सो इट इज रिलीजिंग एंजाइम्स फॉर न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है? तो ये चारों के लिए एंजाइम्स रिलीज करता है. यहां पे अगर एक और होता तो और अच्छी बात बन जाती, परफेक्ट स्टेटमेंट हो जाती कि पेंक्रियास का रिमूवल करेंगे तो इन चारों कंपोनेंट्स की डाइजेशन इम्पेयर होगी. इज दिस पॉइंट क्लियर? तो पहले तो गाइस आपको ये याद करना है कि कहां से कौन कौन सी चीजें डाइजेस्ट होती हैं. चलो मैं तुम्हें पार्ट्स ऑफ गट, ठीक है, एंड कंपोनेंट्स ऑफ फूड डाइजेस्टेड ये बता देती हूँ. कंपोनेंट्स ऑफ फूड डाइजेस्टेड, तो ये हम कर लेते हैं, ठीक है? देखो, बड़े बेसिक सी बात याद रखनी है हमने कि आपकी बकल कैविटी के अंदर क्या क्या चीजें डाइजेस्ट होती हैं. तो गाइस, बकल कैविटी के अंदर एक ही चीज आप डाइजेस्ट करते हो, एंड दैट इज स्टार्च, विच इज अ कार्बोहाइड्रेट, राइट? इट इज अ पॉलीसेकेराइड, राइट? और वो भी कितनी? सिर्फ 30%, ठीक है? दूसरी चीज आपने ये याद रखनी है कि यहां पे इसके बाद स्टमक के अंदर डाइजेशन होगी,
तो स्टमक के अंदर आप क्या मेन चीज डाइजेस्ट करते हो? आपकी डाइजेशन होती है मेन प्रोटीन्स की, ठीक है, पर क्या वो पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाते हैं? नहीं, सेमी डाइजेशन होती है इसकी, सेमी डाइजेस्टेड, ठीक है ना। और फैट्स यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होते, उसके बाद प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो रहे हैं ना, और कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट यहाँ पे नहीं होंगे, न्यूक्लिक एसिड्स यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं होंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर? इसी तरह से यहाँ पे सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स डाइजेस्ट हो रहे थे, ना फैट्स, ना प्रोटीन्स, ना न्यूक्लिक एसिड्स, क्लियर। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन जहाँ पे तुम कहते हो सारी चीजें डाइजेस्ट होती हैं, साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन पेंक्रियास की हेल्प से, यानी पेंक्रियाटिक जूस की हेल्प से सब कुछ डाइजेस्ट करेगा, प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। इज दिस पॉइंट क्लियर? तो अगर पेंक्रियास रिमूव कर दिया तो ये चीजें डाइजेस्ट नहीं होने वाली। हाँ जी, पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं सबको? तो ये बड़े क्विक नोट्स हैं जो आपके एग्जाम्स में काम आते हैं, ठीक है ना। यस, चलिए आगे आ जाइए गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड स्मियर रिवील्स एन एबनॉर्मल इंक्रीज इन द नंबर ऑफ ग्रैन्युलर सेल्स। ग्रैन्युलर सेल्स वो वाले यानी ग्रैन्युलोसाइट्स विद मल्टीपल न्यूक्लियर लोब्स, ठीक है। सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल्स हैव इंक्रीज्ड द नंबर? तो बड़े इजीली तुम फाइंड आउट कर सकते हो। जल्दी से बता दो कि स्मियर में तुमने ऐसे ग्रैन्युलोसाइट्स, ग्रैन्युलर सेल्स का मतलब ऐसे ग्रैन्युलोसाइट्स का नंबर इंक्रीज देखा जिनकी मल्टीपल लोब्स हैं। तो ये मल्टीपल लोब्स वाले कौन से होते हैं? बड़ा इजी आंसर, वेरी गुड आंसर इज न्यूट्रोफिल्स। आंसर इज न्यूट्रोफिल्स, दे आर ऑल्सो नोन एज पॉली मॉर्फो न्यूक्लियो न्यूक्लियर लिम्फोस सॉरी ल्यूकोसाइट्स, है ना, PMNLs भी बोलते हैं। इज दिस क्लियर? तो इसका मतलब इस क्वेश्चन से आपको क्या आइडिया मिलता है कि आपको उसके न्यूक्लियस की लोब्स पता होनी चाहिए। इसमें मल्टी लोब्स हैं, इसके अंदर सिंगल है ना, इसमें लिम्फोसाइट में एक राउंड लार्ज न्यूक्लियस होता है, कोई लोब्स नहीं है इसकी। मोनोसाइट्स में लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस होता है। तो ये सारी चीजें हम क्लास में भी करेंगे, लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि आप जब क्लास में आओ तो आपको कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो व्हेन यू वी आर टीचिंग यू इन द क्लास, तो आपको कैसी कैसी चीजें वहां से उठानी है, राइट। चलो, सो लार्ज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस। इसके बाद गाइस थ्रोम्बोसाइट्स, ये तो होते ही प्लेटलेट्स हैं, तो यहाँ पे इनकी बात ही नहीं हो सकती। और ये भी याद रख लेना कि प्लेटलेट्स में न्यूक्लियस नहीं होता, इट इज इन्यूक्लिएटेड। इज दिस पॉइंट क्लियर? ठीक है, चले आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ स्पीसिएशन मीडिएटेड बाय ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। ऐसा स्पीसिएशन यानी स्पीशीज नहीं बन रही है जिसमें कि ज्योग्राफिकल आइसोलेशन हो रही है, यानी एक जगह थी, ठीक है, सारे प्राणी यहाँ एक साथ रह रहे थे, बीच में कोई नदी आ गई या पहाड़ खड़ा हो गया या वैली बन गई कि इधर के लोग इधर नहीं जा पाएंगे, इधर के लोग इधर नहीं जा पाएंगे। तो ये ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, ये ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से अब जो यहाँ पे दो स्पीशीज बन जाएंगी, ऐसी स्पीसिएशन को क्या कहते हैं? ऐसी स्पीसिएशन को क्या कहते हैं? हाउ कैन यू से इट इज ए? इट कैन नॉट बी ए। ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से जो स्पीसीज बनती गए, दैट इज ऑलवेज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन, ठीक है, दैट इज एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। देखो, पहले ओरिजिनल जो स्पीशीज थी एस, ठीक है, अब वो दो, उसका दो में बंटवारा हो गया, क्लियर। इसको डिटेल में हम क्लास में करेंगे, लेकिन इतना याद रखना कि ज्योग्राफिकल बैरियर, बीच में कोई ज्योग्राफिकल बैरियर आने की वजह से जो दो नई स्पीशीज बनती हैं, उस स्पीसिएशन को हम क्या कहेंगे? एलोपैट्रिक स्पीसिएशन। अगर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन हुई है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, तो उस वजह से बनने वाली स्पीसिएशन को हम कहेंगे सिम्पैट्रिक, ठीक है। तो ये दो मेन आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। अडैप्टिव रेडिएशन, तो गाइस डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को हम बोलते हैं, यहां पे डाइवर्जेंट एवोल्यूशन हुआ नहीं है, ठीक है ना। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? डन, चल।
वेयर आर द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स लोकेटेड इन द ह्यूमन बॉडी? चलो जी, सो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हमें याद करना होगा, ठीक है? तो गाइस देखो, आपकी ये किडनी है, किडनी के अंदर आपको पता है कोई भी पार्ट हो, स्ट्रक्चर हो, आउटर रीजन को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं, इनर रीजन को हम मेडुला बोलेंगे. सो दिस इज आउटर कॉर्टेक्स एंड इनर मेडुला. ये चीज तो हमें बेसिक सी क्लियर हो चुकी है, आउटर और इनर रीजन को, ठीक है? तुम्हें ये भी पता है कि मेडुला के अंदर होते हैं ऐसे रीनल पिरामिड्स या मेडुलरी पिरामिड्स, ऐसे बहुत सारे, है ना? राइट. अब इसके अंदर नेफ्रॉन किस तरह से अरेंज्ड होता है, दिस इज द क्वेश्चन. पीसीटी एंड डीसीटी कहां पे प्रेजेंट होगा, तो आ जाओ समझ लेते हैं. गाइस देखो, जो आपका बोमैन्स कैप्सूल है, जो आपकी पीसीटी है और जो आपकी डीसीटी है, ये हमेशा कॉर्टेक्स में होगी. मेडुला के अंदर सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेले जाएगा, वो छोटा भी हो सकता है, वो बड़ा भी हो सकता है, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड मेडुला के अंदर सिर्फ और सिर्फ लूप ऑफ हेले होता है, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स रहते हैं आपके कॉर्टेक्स वाले एरिया में. इज इट क्लियर? सो आंसर क्या जाएगा, लोकेटेड विद इन द ह्यूमन बॉडी. पीसीटी और डीसीटी कहाँ पे प्रेजेंट है? इट इज प्रेजेंट इन द रीनल कॉर्टेक्स एरिया. आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ठीक है, ये पॉइंट सबको क्लियर हो रहे हैं, चले आगे. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज नॉट अ साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ WBCs? लो, WBCs कहां नहीं बनेंगे? नॉट वर्ड देखो उन्होंने कितना बड़ा करके दिया हुआ है, नॉट द प्रोडक्शन ऑफ WBCs. देखो हमें इतना पता है कि जब ब्लड फॉर्मेशन शुरू होती है तो कहां कहां होती है ब्लड, साइट ऑफ ब्लड फॉर्मेशन यहां पर लिख देते हैं, सो दैट इट इज क्लियर. साइट ऑफ हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस, पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन, हीम वर्ड इज फॉर ब्लड, ठीक है? तो कहां कहां ब्लड फॉर्मेशन होती है गाइस? नंबर वन, नंबर वन कहां हो रही है? सबसे पहले स्टार्ट होती है योक सैक में, राइट? उसके बाद होती है आपके लिवर के अंदर, उसके बाद आपके सारी बोन्स के अंदर, ठीक है ना, ऑल बोन्स, ठीक है? एंड लेटर ऑन एडल्ट स्टेज में, इस वक्त आपकी सिर्फ लॉन्ग बोन मैरोज के अंदर हो रही है, ठीक है? इवन स्प्लीन को हम काउंट कर लेते हैं बिकॉज इट इज अ ब्लड बैंक, क्लियर? लेकिन अब उसने क्वेश्चन का क्या कहा है, इट इज नॉट द साइट फॉर द प्रोडक्शन. किडनी के अंदर तो कभी नहीं बनेगा, है ना? तो किडनी के अंदर तो कभी नहीं बनेगा, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, नॉट द साइट ऑफ WBC फॉर्मेशन, दैट इज किडनी. किडनी गाइस RBC प्रोडक्शन के लिए फैक्टर जरूर रिलीज करती है, लेकिन WBCs या RBCs वो किडनी के अंदर नहीं बनते हैं, ये हमें पता है ना? स्प्लीन ग्रेवयार्ड भी है और इमरजेंसी ब्लड बैंक भी है, इसलिए हम स्प्लीन को कंसिडर कर लेते हैं. Is this clear? This is the emergency blood bank as well. इसलिए हम यहां पे spleen नहीं answer लिखेंगे. Bone marrow तो है ही है, liver तो है ही है, लेकिन answer यहां पे उसने not का पूछा है, तो not का answer क्या जाएगा, ये it is not, answer is kidney. Clear? चल next question. Which of the following parts of the eye is affected by cataract? आईज में कैटारैक्ट जब होती है, कैटारैक्ट को गाइस हम सफेद मोतिया भी बोलते हैं, सफेद मोतिया, ये नाम आपको पता हो, कॉमन नेम सफेद मोतिया. ये किस पार्ट को अफेक्ट कर रहा है, व्हाट इज द आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर मुझे अभी तक नहीं मिला है. चलो मैं बता देती हूँ गाइस, जब सफेद मोतिया होता है ना कैटारैक्ट, तो आपका लेंस अफेक्ट होता है, आपका लेंस जो क्रिस्टलाइन होना चाहिए, है ना, लेंस बिल्कुल, ताकि लाइट आर पार हो सके, ये लेंस जो है ये ओपेक हो जाता है, ठीक है? ये लेंस क्या हो जाता है, ओपेक हो जाता है, और तुम्हें पता है ओपेक चीज में से लाइट ट्रांसमिट नहीं होती. अब ऐसा क्यों होता है? सो बेसिकली आपका जो लेंस है गाइस, दिस लेंस इज क्रिस्टलाइन, नॉर्मली लेंस इज क्रिस्टलाइन, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, एंड इट इज मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. किसका बना हुआ है? प्रोटीन्स का.
अब बुढ़ापे तक जाते जाते जैसे आपके बाकी प्रोटीन्स डी नेचर हो रहे हैं, वैसे ये प्रोटीन भी डी नेचर हो रहा है। और जब वो डी नेचर हो रहा है, जब प्रोटीन का स्ट्रक्चर खराब हो रहा है, तो उसका क्रिस्टलाइन नेचर भी खराब हो रहा है। एंड फ्रॉम ट्रांसपेरेंट इट बिकम्स ओपेक, क्लाउडीनेस, धुंधलापन आना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आंखों के अंदर धुंधलापन छा जाता है। एक होता है काला मोतिया। नाउ लिसन, देयर इज अनदर टर्म दैट विल कम अक्रॉस, दैट इज काला मोतिया। नाउ दैट इज ग्लॉकोमा, दैट इज ग्लॉकोमा। दोनों नाम अलग अलग है, ठीक है ना। सो काला मोतिया ग्लॉकोमा, सफेद मोतिया कैटराक्ट। ग्लॉकोमा जो है ये रेटिना के न्यूरॉन्स को डैमेज करेगा, ये रेटिना को अफेक्ट करता है। इज दिस क्लियर? कॉर्नियल ब्लाइंडनेस भी हो जाती है, ठीक है ना। कंजक्टाइवा को इफेक्ट करने वाला जो डिसऑर्डर है, दैट इज कंजक्टिवाइटिस, जिसको आई फ्लू बोल देते हो या पिंक आईज बोल देते हो। ये वायरल डिजीज है, पिंक आईज, ये वायरस की वजह से होती है। ये मैंने तुम्हें बता दिया ग्लॉकोमा, राइट। और कॉर्निया से कॉर्नियल ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, जो कि कॉर्निया ट्रांसप्लांट से फिर ठीक की जा सकती है। इज दिस पॉइंट क्लियर? किरण मैम अभी आ रहे हैं, किरण मैम इज वेटिंग फॉर हर क्वेश्चंस की टर्न, ठीक है ना। इज दिस पॉइंट्स क्लियर? चलें, चलो दो और क्वेश्चंस करते हैं, फिर किरण मैम को बुलाते हैं। सो ड्यूरिंग ओजेनेसिस इन मैमल्स, बड़ा देखो स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग ओजेनेसिस इन मैमल्स द सेकेंड मियोटिक डिविजन अकर्स। सेकेंड मियोटिक डिविजन कब अकर करती है? हाँ जी, तो ये अब ये इसके लिए क्विकली एक रिवाइज करते हैं अपने ओजेनेसिस का पाथवे। देखो ओजेनेसिस, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए ओजेनेसिस हमारी फीटल स्टेज में स्टार्ट हो जाती है। फीटल, इट स्टार्ट्स इन फीटल, इन फीटल स्टेज एंड एंड्स एट मेनोपॉज। ये लाइफ टाइम नहीं चलती, अनलाइक आपकी स्पर्मेटोजेनेसिस, है ना। और क्या पाथवे रहता है ये देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक ओगोनियम, ओगोनियम या ओवम मदर सेल, राइट। और फिर उसकी होती है बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन, बहुत सारी मल्टीप्लीकेशन, आई एम श्योर यू रिमेंबर दैट, राइट। दिस इज ऑल ओगोनिया, ओगोनिया, ओगोनिया। फिर ये बड़े होते हैं, जब ये बड़ा हो जाता है तो इसको हम क्या बोलते थे, प्राइमरी ओसाइट, राइट। फिर इसके अंदर होती है मियोसिस वन, राइट, ये सबको क्लियर है। ये होती है मियोसिस वन, और ये मियोसिस वन गाइस, मियोसिस वन से, मियोसिस वन इज रिडक्शनल, तो इससे बनती है एक फर्स्ट पोलर बॉडी, राइट, और एक हमारा सेकेंडरी ओसाइट, राइट। और ये सेकेंडरी ओसाइट के अंदर अब मियोसिस टू कब होगी, आफ्टर स्पर्म एंट्री, आफ्टर स्पर्म एंट्री। तो ये एक और पोलर बॉडी बना देगा और फिर बनता है ये ओवम। इज दिस पॉइंट क्लियर? मीनवाइल इसके केस में भी यही होगा, है ना, इसके केस में भी मियोसिस टू हो जाती है और दो पोलर बॉडीज और बन जाती हैं। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? अब ये सारा कुछ कब हो रहा है, दिस इज बिफोर बर्थ। ये सारा कुछ कहाँ हो रहा है, यहां तक ये चल रहा है बिफोर बर्थ, राइट। ये सब कुछ कब चल रहा है, बिफोर बर्थ। ये कब हुआ, प्यूबर्टी के दौरान। और प्यूबर्टी में भी हर मंथ स्पर्म एंटर करे ये तो जरूरी नहीं है, राइट। तो प्यूबर्टी के दौरान ये हर मंथ आपकी ओवरी एक पोलर बॉडी और एक सेकेंडरी ओसाइट बनाती है, ठीक है। ये सेकेंडरी ओसाइट ओव्यूलेशन हो जाती है इसकी, फिलोपियन ट्यूब में जाएगा, वेट करेगा। फिलोपियन ट्यूब में अगर स्पर्म आया तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर बैठे रहो, ठीक है ना। चलो, सो आंसर क्या है हमारा, कि सेकेंड मियोसिस कब हुई थी, इट हैपेंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये सबको क्लियर है, ग्रेट। एंड अब लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद अब किरण मैम की बारी आ रही है, ठीक है ना, तो किरण मैम को बुलाते हैं। ऑल क्लियर, डन, चलो भाई किरण मैम आ जाओ, तैयार हो जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, आ जाओ।
सेकेंडरी मेटाबोलाइट। सो गाइस, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं? सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो चीज़ें जो कि ऑर्गेनिज्म के अंदर बनती तो है, लेकिन ऑर्गेनिज्म को, यानी जिसकी बॉडी में बन रही है उसकी, उसको इसकी ज़रूरत है नहीं। सो द आंसर इज पेनिसिलिन। आंसर वुड बी पेनिसिलिन। ड्रग्स पढ़े थे ना, जितने भी ड्रग्स हैं, टैनिंस हैं, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? सारी चीज़ें आती हैं आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। आर दीज पॉइंट्स क्लियर? ऑल क्लियर? चलो फटाफट से अब एक बार स्क्रीनशॉट्स ले लो इनके। आई विल बी क्लिकिंग एंड तुम स्क्रीनशॉट्स लेते जाओगे। All clear? ठीक है, तो ये गाइस आपके स्क्रीनशॉट्स टाइम है, जल्दी जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते जाना है। और फिर किरण नाम आ चुके हैं और वी स्टार्ट विद द बॉटनी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये लोकेशन इंपॉर्टेंट है, आपको क्लास में करवाई भी जाती है और अब हम कोर्स स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी डिटेल में करेंगे। All clear? और ये डाइजेशन का बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्रिप्स ऑफ लिवर को भी बता दिया आपको एंड एवोल्यूशन, ठीक है ना? चलो, सो आ जाओ गाइस, अब हम स्टार्ट करते हैं बॉटनी। मैम वो ऑन किया है आपने? माइक इज ऑन। हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल? ऐसे लग रहा है कितने दिनों बाद पढ़ा रहे हैं, कितने दिनों बाद मिल रहे हैं। तो बेटा आपको ना ये पिछले वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करके पता लग गया होगा। तो ओवरऑल पता है क्या है, जब तुम किसी एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ते हो और फिर तुम उसी टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो क्या होता है, तुम्हारा दिमाग ना उस समय उस टॉपिक को बड़े अच्छे से अटेम्प्ट करता है। तुम यूजुअली क्वेश्चन गलत भी नहीं करते, लेकिन जब क्वेश्चन सारे टॉपिक से उठ के आ जाए, एक मिक्स होके आ जाए, फिर उसके बाद कंफ्यूजन शुरू होती है और फिर हम क्वेश्चन गलत करते हैं। और ऊपर से नीट एग्जाम में बैठ के प्रेशर भी होता है, या केवीपीवाई कोई भी एग्जाम में बैठो के प्रेशर होता है। नॉर्मली तुम घर पे बैठ के जो क्वेश्चन सही भी करोगे, चांसेस आके तुम एग्जाम हॉल में बैठ के वो गलत कराओगे। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि तुम क्वेश्चन को थोड़ा सा शफल करके इस तरीके से भी प्रैक्टिस करते रहो, तुम्हारा एक ओवरऑल व्यू बना रहता है चैप्टर के बारे में और तुम्हें कॉन्सेप्ट्स ना अच्छे से दिमाग में घुस जाते हैं। So this is very important कि हम इस तरीके की सीरीज भी करते रहे। हाँ जी मैम, ओवर टू मी हो गया। ओके, ऐसे अंधेरा लग रहा है स्क्रीन पे, है ना? तमराज किल्विश आए और अंधेरा कायम रे कर गए। क्वेश्चन देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग जेनेटिक फिनोमेना इज रिप्रेजेंटेड बाय द ब्लड ग्रुप ए बी? ब्लड ग्रुप ए बी, तो ये कौन सा फिनोमेना है? हाय अमानत, हाय आयत, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। ब्लड ग्रुप ए बी, आपका जो ब्लड ग्रुप है यार, इसका आंसर तो जल्दी जल्दी से दो। किसने, कविता ने सबसे पहले आंसर दिया है। सो आंसर इज कोडोमिनेंस, है ना? ये केवीपीवाई में भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और ये ऐसे क्वेश्चंस आपको एनडीए में भी आ चुके हैं ऐसे, और ये नीट का तो फेवरेट क्वेश्चन है ही। तो आपका जो ब्लड है, आपको पता है आपके पास तीन किस्म के अलील्स हैं इन योर ब्लड। आंसर इज कोडोमिनेंस, आंसर इज 100% कोडोमिनेंस। फिर अगर हम आगे चलें तो जब आप ब्लड ग्रुपिंग पे जाओगे, व्हेन यू टॉक अबाउट योर ब्लड ग्रुपिंग, आपके पास कितने तरीके के अलील्स हैं बेटा? तीन तरीके के अलील्स हैं, आई ए, आई बी और स्मॉल आई। आई ए और आई बी ये आपस में शो करते हैं कोडोमिनेंस, तभी आई ए और आई बी जब इकट्ठे आ जाते हैं तो ब्लड ग्रुप ए बी बन जाता है।
अगर आप बात करो इस स्मॉल आई की, ये बेचारा रिसेसिव है, ये रिसेसिव है, तो आई ए के सामने भी ये रिसेसिव है, ये आई बी के सामने भी रिसेसिव है ना। सो आपको डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी देखने को मिला, आई ए एंड आई बी दे आर डोमिनेंट टू स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप में आपको डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी देखने को मिलता है और आपको को डोमिनेंस भी देखने को मिलता है। तो यहां पे डोमिनेंट रिसेसिव भी लिख दूं, दिस इज ऑल्सो फिनोमिना विच यू सी, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप भी दिखा, ठीक है। सो को डोमिनेंस दिख गया, ये दिख गया, एंड व्हाट एल्स डू यू ऑब्जर्व हियर, तीसरी तरीके की चीज, तीसरा फिनोमिना जो आपको आपके ब्लड ग्रुप्स में दिखता है, दैट इज मल्टीपल अलीलिज्म। तो ये तीनों चीजें, तीनों फिनोमिना आपने अपने ब्लड ग्रुप्स में याद रखने हैं। चले आगे, अगला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक कन्वर्जन्स रिक्वायर ऑक्सीजन, इनमें से कहां पे आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, थोड़ा सा अपना भेजे पे जोर डालो और सोचो कहां पे तुम्हें ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज से पायोवेट बनाते हुए, या ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट करते हुए, या ग्लूकोज को लैक्टेट में कन्वर्ट करते हुए, या ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करते हुए, व्हाट इज द आंसर हियर, कहां पे तुम्हें ऑक्सीजन। सो गरिमा का आंसर ठीक है, राम का ठीक है, समल्या का ठीक है, कूल, गुड जॉब गाइस, आंसर इज डी, क्योंकि ऊपर वाला, ये वाला जो स्टेप है ग्लूकोज टू पाइरूवेट, ये वो स्टेप है विच इज कॉमन इन बोथ एरोबिक एंड एनएरोबिक मेटाबॉलिज्म। सो दिस इज कॉमन स्टेप, दिस इज कॉमन टू एरोबिक, ये तो एरोबिक में भी होता है और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन में भी होता है, तो इसमें आपको ऑक्सीजन नहीं चाहिए। फिर ये वाले स्टेप में ग्लूकोज टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल हो जाए, चाहे ग्लूकोज टू लैक्टेट हो जाए, ये दोनों कौन से हैं आपके, ये आपके फर्मेंटेशन वाले स्टेप हैं, ये दोनों तब होते हैं जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन के टाइम पे, है ना। सो आंसर इज डी, चलो जी बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल। इन अ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, अब ध्यान से देखो, दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अब ध्यान से देखो, एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में व्हेन द लोकस एक्स इज इनएक्टिवेटेड, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लोकस वाई इज ट्रिगर्ड, ठीक है, दो अलग अलग लोकस हैं, तो ये मेरे पास एक क्रोमोसोम मान लो, तो जब मैंने, तो ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम मान लो, चलो तो इसके इस लोकस पे तो एक्स जीन है और इसके किसी दूसरे लोकस पे वाई जीन है, जब आपने एक्स को इनएक्टिवेट कर दिया, दिस हैज टू बी इनएक्टिवेटेड, तब जाके आपके वाई ने अपना ट्रांसक्रिप्शन शुरू किया। सो बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताओ जी इसका आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा। सो कुछ बच्चे कह रहे हैं हाँ, कुछ बच्चों को बी भी आंसर लग रहा है, चलो ध्यान से देखो, एक एक करके ऑप्शन पढ़ने शुरू करें। नंबर वन चीज ये याद रखो, इसमें दो अलग अलग लोकस की बात हो रही है, इसमें टू सेपरेट लोकस आर टच्ड, तो इसमें कभी भी, इधर आओ अगले वाले पेज पे आओ, देखो आंसर तो तुम्हें मैं बता देती हूं, आंसर इज एक्स इज एपिस्टेटिक टू वाई, और ये कैसे हुआ है आ जाओ वो समझते हैं, पहले आराम से एक चीज समझो ध्यान से, ये तुम्हारा मैंने एक क्रोमोसोम बना दिया, ठीक है, और इस क्रोमोसोम का ये लो होमोलोगस भी बना दिया, होमोलोगस क्रोमोसोम दोनों ड्रॉ कर दिए मैंने, इस होमोलोगस क्रोमोसोम में जो सेम लोकस पे जीन है, ये जब सेम लोकस होगा तो वो अलील्स होते हैं, सेम लोकस पे जो जीन होते हैं, पे जो आपको जीन पेयर मिलेगा, दे आर अलील्स। तो ये अगर एक्स है तो हो सकता है ये स्मॉल एक्स हो सकता है ये भी, भाई एक्स के दो ही पार्ट, दो ही टाइप हो सकते हैं ना, या तो डोमिनेंट फॉर्म उसकी या फिर उसकी रिसेसिव फॉर्म। तो यहां पे इन दोनों का आपस में जो तुम इंटरेक्शन पढ़ोगे, सेम लोकस में जो तुम इंटरेक्शन पढ़ोगे, दैट इज अलीलिक इंटरेक्शन, ठीक है, ये और ये कैसा इंटरेक्शन होता है, डोमिनेंट
तो ये किसमें से डोमिनेंट होता है, कैपिटल एक्स इसमें डोमिनेंट होगा और जो स्मॉल एक्स है वो इसमें रिसेसिव होगा। और इसकी रेशो क्या निकलती थी, ठीक है चलो वो वाली बात अभी लेटर ऑन करते हैं। फिर उसके बाद यहां पे लेटर ऑन, अब मान लो मैं किसी दूसरे लोकस पे शिफ्ट कर जाऊं, अब मैंने लोकस बदल दिया, ऊपर एक्स लोकस है, ऊपर ये लोकस एक्स वाले करो एक्स वाले जीन का है, अब ये चेंज कर दी ना पोजीशन तुमने क्रोमोसोम के ऊपर, इसकी जगह चेंज कर दी, लोकेशन चेंज कर दी, अब ये कौन सा वाला लोकस हो गया बेटा, अब ये वाई जीन है। इस वाई जीन की भी सिमिलर तरीके से दो टाइप्स हो सकती हैं, इसकी डोमिनेंट टाइप और इसकी रिसेसिव टाइप। अब क्या किया, जैसे तुमने जब तक तो एक्स मौजूद था तब तक उसने वाई की ट्रांसक्रिप्शन को रोक दिया, मतलब नॉन अलीलिक इंटरैक्शन हो रही है, यही हो रही है ना, अलीलिक इंटरैक्शन होती एक्स और एक्स के बीच में, इन दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होती वो होती अलीलिक इंटरैक्शन, सेम लोकस में जो इंटरैक्शन होती है, अगर कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स को एक्सप्रेस नहीं करने दे रहा अलीलिक इंटरैक्शन है। लेकिन अगर यही तुम्हारा एक्स वाई को एक्सप्रेस नहीं होने दे रहा, तुम्हें एक्स को हटाना पड़ा, तुम्हें देखो लोकस एक्स को इनएक्टिवेट करना पड़ा, तब जाके तुम्हारा लोकस वाई ने एक्सप्रेशन शो किया। अब मतलब ये इसको भी अगर अफेक्ट करेगा, अपने नॉन अलील को अगर ये उसके ट्रांसक्रिप्शन को कंट्रोल करने लग जाए, तो ऐसी इंटरेक्शन को हम एपिस्टेसिस बुलाते हैं। तो इसमें आप क्या बुलाओगे दैट, और जो जीन स्ट्रांग होता है बुली होता है वो छोटे वाले वाई को बोलेगा मैं तुम्हें थप्पड़ मारना है तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं करेगा। तो ये वाला जो स्ट्रांग है जो दूसरे को काम करने से रोक रहा है उस वाले को आप बुलाते हो एपिस्टैटिक। तो इसमें से एक्स इज एपिस्टैटिक और ये बेचारा वाई छोटू राम जो एक्सप्रेशन इसका शो नहीं हो पा रहा ये बुलाते, इसको तुम कहते हो हाइपोस्टैटिक। तो ये हो गए तुम्हारे दो जीन, दो अलग अलग जीन। तो जीन एक्स इज एपिस्टैटिक टू जीन वाई, इज दिस क्लियर गाइस, एक्स इज एपिस्टैटिक टू वाई। ये आंसर कुछ बुक्स में गलत दिया हुआ इसका, ठीक है आगे चले। अब कोई कंफ्यूजन तो नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये देखो ना यहां पे लिखा हुआ है एक्स इज डोमिनेंट ओवर वाई, एक्स कैन नॉट बी डोमिनेंट ओवर वाई, कैपिटल एक्स कैन बी डोमिनेंट ओवर स्मॉल एक्स, ये डोमिनेंट अपने स्मॉल एक्स के, वो डोमिनेंट रिसेसिव वो आपके अलील के बीच में इंटरेक्शन होती है, कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स के ऊपर डोमिनेंट है, डन। चले आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस रिप्रेजेंट द करेक्ट टैक्सोनॉमिक हायरार्की, यार ये तो फटाफट से कर लो मैं भी करती हूं, कीप पॉट्स क्लीन और फैमिली गेट्स सिक। तो क्या है करेक्ट सीक्वेंस, देखो सबसे पहले स्पीशीज आनी चाहिए, फिर जीनस आना चाहिए, फिर फैमिली और फिर ऑर्डर, ये तो सब बच्चों ने आंसर दे देना चाहिए था फटाफट से तुम सबको। आंसर इज ओए, आंसर इज ए, इसका आंसर इज क्लियर क्लियर ए, स्पीशीज जीनस फैमिली ऑर्डर, बस वो दिया हुआ है, ये तो सीधा सीधा है ना, हाँ इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व्ड इन गटेशन, अब आपसे गटेशन में पूछ रहे हैं कि कौन सा अनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड है, बताओ जी कौन सा, और गटेशन होता क्या है। तुम्हारा प्लांट जो है इसकी लीफ टिप से जब पानी लिक्विड फॉर्म में बाहर आएगा, जब पानी लिक्विड ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आएगा तो आप उसको गटेशन बुलाते हो, ठीक है। और जब यहीं से पानी भाप बन के उड़ेगा, मतलब पानी की जब इवेपोरेशन होगी, पानी जब वेपर फॉर्म में बाहर आएगा तो आप उसको ट्रांसपिरेशन बुलाते हो, है ना, ट्रांसपिरेशन बुलाते हो। तो यहां से आपको गट्टेशन में पूछ रहा है, क्यूटिकल इन्वॉल्व है, हाइडाथोड, लेंटिसल्स या फिर स्टोमेटा, जल्दी से बताओ, बता दिया बच्चों ने, बता दिया आंसर। सो बेटा क्यूटिकल कहां पे होता है,
क्यूटिकल होता है आपके यहाँ, ये जो आपका पत्ता है ना, इसके सरफेस के ऊपर एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर होती है इसका। ये सपोज तुम्हारा लीफ है, ठीक है, और यहाँ पे लीफ के ये एपिडर्मिस वाले सेल्स हैं, तो इसके ये सेल्स के भी ऊपर ऐसे करके एक एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर होगी, और इस एक्स्ट्रा सेल्यूलर लेयर को आप क्यूटिकल बुलाते हो। और इसका काम क्या है? प्रिवेंट ट्रांसपिरेशन, इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग ट्रांसपिरेशन। तो ये तो ट्रांसपिरेशन रुकती है, तो क्यूटिकल तो आंसर है नहीं यहाँ पे। फिर आगे देखो, हाइडाथोड इज द आंसर। आंसर क्या है? हाइडाथोड। लेंटिसल्स और स्टोमेटा, ये दोनों होते हैं फॉर ट्रांसपिरेशन, ये तो ट्रांसपिरेशन कराते हैं। स्टोमेटा आपके लीव्स के ऊपर होते हैं, छेद छोटे छोटे जिसमें से पानी भाफ बन के बाहर आएगा, वेपर फॉर्म में बाहर आएगा। और लेंटिसल्स आपके स्टेम और लीव्स और रूट के ऊपर होते हैं, जिसमें से पानी छोटे छोटे छेद होते हैं, पानी वेपर के फॉर्म में बाहर आएगा। और हाइड्राथोड्स में से पानी ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आता है, ठीक है। चल आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज अ ब्रायोफाइट? ये इतना इजी क्वेश्चन भी आ जाता है, बताओ। ये भी केवीपीवाई में आ जाता है ऐसा क्वेश्चन, और नीट में तो ऑफ कोर्स आते हैं। सो दीज आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप अपने नीट की तैयारी अच्छे से कर लो, केवीपीवाई की भी हो जाएगी, और साथ ही तुम अपने केवीपीवाई के भी क्वेश्चन कर लिया करो, नीट में और क्लैरिटी आ जाएगी। आंसर क्या है बता दिया बच्चों ने? लिवरवर्ट, बिल्कुल। तो ब्रायोफाइट्स में क्या क्या देखते हैं हम? लिवरवर्ट देखते हैं, और क्या देखते हो तुम? हॉर्नवर्ट्स देखते हो, बेटा हॉर्नवर्ट भी होता है, एनसीईआरटी में दिया हुआ। और क्या देखते हैं हम? मॉसेस भी देखते हैं। कौन कौन आंसर दे रहे हैं? चेष्टा ने दिया, राम ने, अब सॉरी बोल के ठीक लिख दिया, गरिमा, सैमसन, चैन, आयत, ठीक है जी। चलो आगे आ जाओ। पलक, ह्यूमन हेल्थ कब से स्टार्ट होगा? बेटा आपका प्रॉपर लेक्चर्स तो आज से शुरू हो चुके हैं, और मैम आपने ह्यूमन हेल्थ स्टार्ट करना है, और मैंने आपका अनाटमी शुरू करना है, और वो आई थिंक कब से मैम? 1 तारीख से स्टार्ट कर देंगे, 1 अक्टूबर से वो शुरू हो रहा है। और पढ़ाई तो शुरू हो चुकी है यार, पढ़ाई तो तुम आज से मानो शुरू हो गई है तुम्हारी, है ना। चलो आ जाओ आगे। वॉट अ, बेटा ये क्वेश्चन इतना कॉमन क्वेश्चन है, अब आराम से इसका आंसर दो। वॉटर पोटेंशियल ऑफ प्योर वॉटर एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड एटमोस्फेरिक प्रेशर इज? इसका आंसर जल्दी, इसका आंसर तो जल्दी। ठीक है, इसका आंसर जल्दी जल्दी, ये तो क्या ही है ना। चलो आगे। टेंड्रिल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, टेंड्रिल्स आर मॉडिफिकेशन ऑफ, टेंड्रिल्स किसकी मॉडिफिकेशन होती है? स्टेम की होती है, लीफ की होती है, स्टेम की होती है या लीफ की होती है या एरियल रूट्स की होती है, किसकी होती है टेंड्रिल्स? टेंड्रिल्स, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंड्रिल्स आर मॉडिफिकेशन, भाई स्टेम की भी मॉडिफिकेशन हो सकती है, लीफ की भी मॉडिफिकेशन हो सकती है। आपने लीफ टेंड्रिल्स भी पढ़े हैं, कहां पे पढ़े हैं अपनी बुक में? पी में पढ़े, मटर में पढ़े हैं तुमने लीफ टेंड्रिल्स। स्टेम टेंड्रिल्स कहां पे पढ़े हैं? गॉड्स में पढ़े हैं, जो तुम्हारा घिया, कद्दू, लौकी सारे, है ना। चलो, सो ये दोनों तरीके की टेंड्रिल्स तुमने देखी हैं अपने एनसीईआरटी में, दिया हुआ है ये। चल नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज कैटलाइज्ड बाय हाई एनर्जी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इन द स्ट्रेटोस्फीयर? इसमें से कौन सा रिएक्शन है बताओ? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, सो बेटा ये जो ऑक्सीजन है, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटॉमिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ओजोन बना रहा है, ये होता है, या फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में टूट जाता है, या भाई दो ओजोन आपस में कोलाइड कर जाते हैं, अलग ही काम हो जाता है, या ये होता है, बताओ क्या होता है? बच्चे बोल रहे ए, बच्चे बोल रहे ए होता है मैम। अच्छा यहाँ पे ना मेरे को लग रहा था तुम लोग करोगे करोगे, हाँ सारे बच्चे ए आंसर बोल रहे हैं, ए। अब ध्यान से एक चीज देखो, ये रिएक्शन होता है, बिल्कुल होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, क्यों नहीं चल रहा था भाई, हाँ ये रिएक्शन बिल्कुल होता है स्ट्रेटोस्फेयर में, और जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है सच्ची में एटॉमिक फॉर्म के साथ जोड़ के ओजोन बनाता है। लेकिन करेक्ट आंसर पता है क्या था उस एग्जाम में? करेक्ट आंसर वॉज बी,
Why? Correct answer was B. जब तक तुम्हारे पास ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन आया नहीं तो ये रिएक्शन पे तुम पहुंच कैसे गए? अगर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होगा कहीं पे भी होगा तो ओजोन बन जाएगी. तुम्हारे लोअर एटमॉस्फेयर में भी तो होता है, तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर में भी तो बनता है ओजोन. बैड ओजोन जब बनता है तो ऐसा नहीं है कि स्ट्रेटोस्फेयर में ही होगा, ये तुम्हारे ट्रोपोस्फेयर में भी हो जाएगा. करेक्ट आंसर इज बी. सबसे पहले ऑक्सीजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में तोड़ो ताकि ये वाला ऑक्सीजन मिले, एटॉमिक ऑक्सीजन, फिर ये वाला एटॉमिक ऑक्सीजन आगे रिएक्शन शो करेगा. इज दिस क्लियर? सो आंसर इज दिस, आंसर इज बी, क्योंकि बोथ तो दिया नहीं हुआ तो एक चुनना है तो एक जाना चाहिए बी. करेक्ट आंसर वॉज बी. आगे चलते हैं. ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फॉर्म्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स? परऑक्सीजोम में, लाइसोजोम में, गोल्जी में या माइटोकॉन्ड्रिया में? कहां में मिलते हैं आपको ग्लाइकोप्रोटीन्स? बताओ जी, व्हाट इज द आंसर? ग्लाइकोप्रोटीन्स कहां पे मिलते हैं आपको, फटाफट से बताइए. सो आंसर, अभी यार आंसर इज गोल्जी एपरेटस. गाइस तुम्हें पता है कि जो प्रोटीन फॉर्मेशन है वो होगा तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में. उसमें क्या बनेगा? प्रोटीन. उसमें जाके बनेगा प्रोटीन. अब जब आप इस प्रोटीन को मॉडिफाई करना चाहते हो, इस प्रोटीन को मॉडिफाई अगर करना चाहते हो तो वो मॉडिफिकेशन के लिए आपको जाना पड़ेगा गोल्जी में. गोल्जी में, तो गोल्जी के अंदर इस प्रोटीन को जो कि आरईआर में बनी थी, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनी थी, उसको ग्लाइको प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा. सो आंसर इज सी, है ना? चलो जी, ऑल राइट, ऑल मैम, दैट इज ऑल फॉर टुडे. तुम लोग बताओ तुम्हारी तैयारी कैसी चल रही है. जो टॉपिक हमारे जहां पे भी सिलेबस रुका था वहीं से कंटिन्यू हो जाएगा. रिविजन कैसा कर रहे हो, पढ़ाई कैसी कर रहे हो, रिविजन कैसी कर रहे हो, तुम अपने एंड पे जो तुम्हें काम करना है वो कैसा चल रहा है? ठीक है, नोटेड समझ लिया, वी विल डू दैट. ऑलराइट गाइस, सो आप अपनी रिविजन कंटिन्यू रखिए, हमारे साथ रोज सुबह 11:30 बजे आना है, हमने और क्वेश्चन सॉल्व करने हैं डेली, और इसी तरह से क्वेश्चन के आसपास जो कॉन्सेप्ट है वो हम कॉन्सेप्ट समझेंगे थ्रू क्वेश्चन. ठीक है, एंड फ्रॉम 1st of October वी आर लॉन्चिंग फ्रेश बैच. ठीक है, एंड डू नॉट मिस इट. सो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, यू नो द ड्रिल, एंड हिट द बेल आइकन ताकि कोई भी लेक्चर मिस ना हो जाए. कोई बच्चे बोल रहे हैं मैम पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही है, सुपर ऑसम चल रही है, सो कूल, समझ लिया. शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं, रीडिंग इट थोरली, अमेजिंग अमेजिंग. और कुछ बच्चे कह रहे हैं पढ़ाई रुकी हुई है, तो पढ़ाई रोको तो मत, वो तो बिल्कुल ही एक खतरनाक वाली काम है, तो वो तो बिल्कुल नहीं करना. पढ़ाई आपकी रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई बिल्कुल कंटिन्यूड रखो. ठीक है, चलो. और क्योंकि अगर अगर बीच में तुम पढ़ाई रोक दोगे ना यार, तो एक इनर्शिया आ जाता है. फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो इतना जबरदस्त इनर्शिया आ जाएगा कि आप ना मोमेंटम दोबारा कैच नहीं कर पाओगे. पढ़ाई का एक मोमेंटम होता है. अब हमारी क्लासेस देखो, एक बार बीच में इनर्शिया आया ना, रुका ना, तो जब रुकता है काम तो फिर से रीइनिशिएट होने में बड़ी देर लगती है. अब हमने भी मोमेंटम पकड़ा है तो हम रुकने नहीं देंगे. तो यू ऑल्सो मेक श्योर कि आप वो इनर्शिया सेट इन मत होने देना. इनर्शिया सेट इन होगा ना तो पता है कौन सी वीडियोज बना रहे होगे तुम, फिर तुम यूट्यूबर बन जाओगे, फिर तुम वीडियो बनाओगे माई नीट फेलियर स्टोरी. I really don't want, I hate it, जब अगर कोई Learnify Labs में से जाके my neat failure story का वीडियो डालेगा, that will be my horror. मेरे को वो horror movie जैसा लगेगा देखने में. So please make sure आपकी neat की success story हो and not a failure story. Failure stories अभी इतनी आ चुके हैं, मैं मतलब this is what I see in YouTube and very disheartening to see. और बच्चे रोते हैं फिर उसमें मैम, very difficult. ठीक है, तो मेक श्योर यू कीप डूइंग योर हार्ड वर्क. ठीक है, ऑलराइट गाइस, सो दैट इज ऑल फॉर द डे. टुमारो अगेन वी विल सी यू एट 11:30. ठीक है, अनदर सेशन ऑन सेम टॉपिक, सेम कोर्स, दैट इज कॉन्सेप्ट्स थ्रू क्वेश्चंस. ठीक है, टिल देन स्टडी करते रहिएगा, एंड डोंट फॉरगेट कि 1st October से आपका बैच लॉन्च हो रहा है. ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर. थैंक्स फॉर वॉचिंग.